आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी शिवसेना की सरकार, हरियाणा में है सस्पेंस बरकरार। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, बीजेपी स्वीकारे उसे, जनता ने रिजेक्ट किया। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया तो चित्रकूट में जीते राजमन बेंजाम, दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का आरोप, झाबुआ में सरकारी मशीनरी का हुआ दुरुपयोग। और बीएसपी विधायक रामबाई के जेल विभाग पर आरोप, जेल के करप्शन पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार की वापसी तय हो गई है। वहीं हरियाणा में बीजेपी बहुमत से दूर है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे की तस्वीर अब साफ हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की जोड़ी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा में भाजपा को झटका लगा है। बीजेपी हरियाणा में बहुमत के आंकड़े से दूर है। इसी उम्मीद में कांग्रेस और जेजेपी अपनी कोशिशें जारी कर रही है और सरकार बनाने में जुट गई है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, वहीं हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक साथ मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में 60.46% और हरियाणा में 65.75% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सत्ता में तो आ रही है, लेकिन इस बार पिछली बार से कम सीटें हाथ लगी हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 122 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 100 पर सिमटती दिख रही है। वहीं शिवसेना उसी 63 के आंकड़े पर अटकी हुई है। वहीं कांग्रेस एनसीपी ने इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अब बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और लोगों का भरोसा कांग्रेस पर है। इन चुनावों के परिणाम के बाद बीजेपी स्वीकार करे कि जनता ने उसे रिजेक्ट किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब बीजेपी स्वीकार करे कि जनता ने उसे रिजेक्ट किया है। मोदी जी की सरकार को 5 महीने का समय हुआ और हर जगह उनका जनाधार खिसक गया है। कमलनाथ ने कहा, जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। झाबुआ की जीत स्पष्ट है कि लोगों को विश्वास कांग्रेस पर है। जो हो सका 10 महीनों में, 10 महीने क्यों, 7.5 महीने, 2.5 महीने तो लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता में गए, पर लोगों को ये विश्वास हुआ। एक वातावरण की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है, और ये घोषणाओं और ये कलाकारी का समय अब समाप्त हो गया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के विकास की बात हो, किसान के कर्ज माफी का मामला, सब पर बीजेपी बोलती है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम पर एक साथ कर्ज माफ कर रहे हैं। झाबुआ की जीत बताती है लोगों को सरकार पर भरोसा हुआ है। सही बात तो ये है, हम तो नहीं कहते हमने सबका कर्ज माफ किया। हमने कहा पहले फेज में हमने ये किया है, 21 लाख का माफ किया। अब हम अगला शुरू करेंगे, उसमें बाकी का माफ करेंगे। अंत में जो हमने वचन दिया है, इसका जवाब हमें जनता को, किसानों को देना पड़ेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना कि ये इन्होंने 15 साल झूठ बोला, बेचारों की आदत झूठ बोलने की खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। उनके नेतृत्व में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी से कांग्रेस ने मुकाबला किया और सोनिया जी ने वाजपेयी जी को घर बिठा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे हम बाल कटवा लेंगे, कोई कहता था मैं NRI बन जाऊंगा, और सोनिया गांधी का मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी में तो अंतर है ना। हाँ, तो उन्होंने अटल जी को घर बिठा दिया था, ये हम ना भूलें। झाबुआ उपचुनाव में जीत का सेहरा कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के सिर बंधा है। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी के भानु भूरिया को शिकस्त दी और अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कामों को दिया। झाबुआ के भूरिया वर्सेस भूरिया में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी के भानु भूरिया को हरा दिया है। मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया लगातार बढ़त बनाए हुए थे। भूरिया ने कहा कि ये कमलनाथ सरकार पर जनता का भरोसा है, मैंने हमेशा झाबुआ के विकास पर ध्यान दिया है। बीजेपी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन वे इनकी इस चाल को समझ गए
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नेतृत्व बहुत ही सख्त है और पूरे देश की कांग्रेस एकजुट हो गई है। राहुल जी और प्रियंका जी सब मिलकर कांग्रेस को और मजबूत कर रहे हैं। भूरिया ने कहा कि भाजपा ने 15 साल तक मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और कांग्रेस की सरकार आते ही जनता के लिए कितनी चीजें की गई। किसानों का कर्ज माफ हो गया है। मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी ने झाबुआ को गोद लिया और कहा कि मैंने कांतिलाल भूरिया को जिता रहा, हम जो छिंदवाड़ा मॉडल रखेंगे तो वो मॉडल आज हमारे सामने आएगा और इसका रोड मैप बनाएंगे और जो जो काम छूटा है भाजपा ने 15 साल में नहीं किया वो काम हम 4 साल में करके दिखाएंगे। कांतिलाल भूरिया की विजय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांतिलाल जहां जहां भी जा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जीत और दीपावली का जश्न शुरू कर दिया है। सीएम कमलनाथ ने भी कांतिलाल भूरिया को बधाई दी है। मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा कि यह कमलनाथ सरकार पर जनता का भरोसा है, हमने सरकार बनाने के बाद जो काम किए वह जनता को पसंद आए हैं। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने 17,853 मतों से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी की इस जीत के साथ ही बस्तर क्षेत्र की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। चित्रकूट में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा उम्मीदवारों के बीच था। उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही हो रही थी और यहां शुरुआती चरण से ही कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने बढ़त बना रखी थी। इस जीत के साथ ही कांग्रेस खेमे में उत्साह का वातावरण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जगदलपुर पहुंच गए हैं। अपनी जीत के बाद बेंजाम ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति और भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किए हैं उससे मतदाता प्रभावित हुआ है। रमन सरकार ने जो 15 साल हमारे आदिवासियों के साथ शोषण किया है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है, उन चीज़ों को लेकर मैं मतदाताओं पर पहुंचा और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहां के क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने मेरी पहली प्राथमिकता। चुनाव मैदान में 6 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी थी। इनमें कांग्रेस से राजमन बेंजाम, भाजपा से लच्छूराम कश्यप, सीपीआई से हिडमोराम मंडावी, जकांच से बोम डाराम मंडावी और निर्दलीय लखेश्वर कवासीवा रितिका कर्मा शामिल हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने झाबुआ की हार पर कहा कि झाबुआ कांग्रेस की परंपरागत सीट है और वहां चुनाव में सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने के लिए जमकर उपयोग किया गया है। राकेश सिंह ने झाबुआ उपचुनाव हारने के बाद कहा कि झाबुआ कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जब जब कांग्रेस का बागी चुनाव लड़ता है तभी हम झाबुआ जीते हैं। उन्होंने कहा झाबुआ में कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी कर्मचारियों को मतदाता केंद्र के टारगेट दिया गया, जनता ने जो निर्णय किया उसे सर झुकाकर स्वीकार करेंगे। उपचुनाव में सरकार के पक्ष में लोगों का रुझान होता है, सरपंच सचिवों को डराया धमकाया गया, इसीलिए भी यह परिणाम आया है। उन्होंने कहा पूरे मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर भीषण आक्रोश है, उपचुनाव को जीतने से यह नहीं माना जा सकता कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से वहां मध्य प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिस तरह से चुनाव में झोंका, उनको मतदान केंद्रों के टारगेट दिए गए, हम ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं इसका असर भी चुनाव के परिणाम पर हुआ है। लेकिन लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और इसीलिए जनता जो भी निर्णय करेगी सम्मान के साथ सर झुकाकर उसको स्वीकार करेंगे। बसपा विधायक रामबाई ने गृह मंत्री बाला बच्चन से मुलाकात की और जेल विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत की। रामबाई ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट कैसे कैसे पैसे मांगते हैं। बीएसपी के तेज तर्रार विधायक रामबाई ने गृह मंत्री बाला बच्चन से मिलकर जेल विभाग में चल रहे करप्शन की पोल खोल दी। उन्होंने गृह मंत्री बाला बच्चन से दमोह जेल के कैदियों से जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा वसूली की शिकायत की है। रामबाई का आरोप है कि 51,000 रुपए उनके परिचित 16 कैदियों से मांगे गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में बेकसूर लोग बंद हैं। रमाबाई ने पूरे प्रदेश में जेलों पर सवाल खड़े किए हैं और वहां करप्शन होने की बात कही है। रमाबाई ने चेतावनी दी, अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो मैं धरना दूंगी।
पहले तो पूरे मध्य प्रदेश की जेलों में बहुत प्रताड़ित हैं कैदी, हवालाती, सभी दोषी भी हैं और निर्दोष भी पड़े हैं, ये सभी जानते हैं। पर जेलों में सुपरिटेंडेंट और जेलर बहुत ख़राब स्थिति करें, इसका प्रमाण मेरे पास स्वयं दमोह जेल का है। अभी 8 दिन 15 दिन पहले एक हमारी विधानसभा का व्यक्ति जेल से निकला है, उसके लिए इस तरह तरीके का सुपरिटेंडेंट ने पिटवाया था कि वो पीछे पूरी खाल उसकी काली पड़ी है। मेरे परिवार से भी 16 लोगों के हिसाब में 51,000 रुपये सुपरिटेंडेंट ने मांग रखी, वो देने से मना कर दिया। तो इन लोगों ने एक ने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई, सुपरिटेंडेंट अपने जब भोपाल में मंत्री जी के यहाँ भी एक चिट्ठी लिखी कि उत्पात कर रहे, तब भी एक निरीक्षण कर लें जेल का और सभी कैदियों से पूछ लें कि क्या है, क्या स्थिति है। मेरे बंगले में धरना देकर क्या करेंगी, मैं तो इनके काम इतने कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग उनके इतने काम करते हैं, जो हमारे से जो हो सकते हैं वो हम सभी काम करते हैं। तो धरना देने दिलाने वाली नौबत हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी आए और हम आने दें, क्योंकि जो हमसे जितना जो हो सकता है हमारे अधिकार क्षेत्र में जो आता है अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हम उनके लिए काम कर ही रहे हैं, और जो हमारे बस का नहीं होते वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाते हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सद्भावना अधिकार मंच ने झुंझुना बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस ने सबको झूठ बोलकर झुंझुना पकड़ा दिया है। सद्भावना अधिकार मंच ने 7 नंबर चौराहे पर कमलनाथ सरकार की दमनकारी नीतियों एवं हर वर्ग के साथ की जा रही वादा खिलाफी के विरोध में झुंझुना बजाकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संयोजक दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कमलनाथ सरकार कर्मचारियों को उन्हीं का वेतन 4 दिन पूर्व देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, अपितु इस सरकार को कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए था। उन्होंने कहा प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर मुआवजे की राशि उनके खाते में डालकर बेरोजगार युवाओं के खाते में प्रतिमाह 4,000 रुपये डालकर, कन्याओं के खाते में 51,000 रुपये डालकर एवं प्रदेश की जनता को दिए गए वचनों को निभाकर उनकी दिवाली को सार्थक करना चाहिए था। सरकार की दमनकारी नीतियों से प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने युवाओं को वचन दिया था, कमलनाथ जी ने बड़े बड़े मंचों से कहा था कि मैं वादा नहीं करता हूं, मैं वचन देता हूं, आज वो 4,000 रुपये उन युवाओं के खाते में आने चाहिए। साथ ही साथ जो सब्सिडी की बात और 983 वचनों का जो झूठ का पुलिंदा कमलनाथ सरकार ने जनता के बीच में लेके आए थे, आज वो वचन पूरे करें। त्यौहार का टाइम है, हर आदमी को 7.5 करोड़ जनता की जवाबदारी कमलनाथ सरकार की है। मंच के महेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार जिन वचनों को देकर अस्तित्व में आई थी, अब वो अपने वचनों से मुकर रही है। किसान, नौजवान, कर्मचारी, हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश की सरकार ने सभी वर्गों को वचन के नाम पर झुंझुना पकड़ाने का प्रयास किया है। सद्भावना अधिकार मंच इसकी कड़ी निंदा करता है। रीवा में 9वीं क्लास की एक छात्रा पिछले 4 दिन से लापता है। इस मामले में भी पुलिस ने बच्ची की खोज के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज बच्ची के परिजनों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया है। 4 दिन से लापता 9वीं कक्षा की छात्रा आशी द्विवेदी को तलाशने में जब रीवा पुलिस ने कोई खास मशक्कत नहीं की तो उसके परिजनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। सिविल लाइन थाना अंतर्गत भाजपा कार्यालय के पीछे रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग आशी द्विवेदी 20 अक्टूबर को सुबह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस पर तलाश में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। ये जो है तुम 20 तारीख की घटना है, भाई तुम नितिन सिंह बघेल का वो चलता था जी,
और कोई उसके ग्रुप में और दो तीन लड़के हैं, वही सब ये काम किए। ये जो है यहीं से हमारे क्वार्टर से ढेकहा से। चार दिन से लापता बच्ची के परिजन परेशान हैं, उन्हें आशंका सता रही है कि पुलिस की लापरवाही से बच्ची के साथ कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बच्ची के परिजनों से कहा कि हमारे पास और भी कार्य रहते हैं। ये सुनकर बच्ची के परिजनों ने DIG अविनाश शर्मा के पास जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। अविनाश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बच्ची को घर वापस लाया जाएगा और थाना प्रभारी के द्वारा दिए गए इस अनर्गल बयान की जाँच कराई जाएगी। 20 तारीख को सुबह घर से घर पे नहीं पाई गई, ये उनकी माता जी गई थी कहीं, तो फिर बाद में आकर के देखा तो वो नहीं थी। 15 वर्ष आयु बता रहे और इसकी सरगर्मी से हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी पूरे डेलीगेशन परिजनों का मिलने आया था और उनको ऐसा लग रहा था कि पुलिस उतनी तत्परता से उसमें विवेचना नहीं कर रही है, उन्हें निर्देशित कर दिया है थाना प्रभारी और एक विशेष दल गठित कर दिया। ग्वालियर में फिर एक बड़ी लूट की वारदात हो गई है। बैंक में पैसा जमा करवाने आए एक मुनीम को लुटेरों ने लूट लिया और उसे गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान पूरे समय मुनीम लुटेरों से संघर्ष करता रहा। 4.5 लाख रुपए लूटने की वारदात ग्वालियर के सबसे सुरक्षित इलाके सिटी सेंटर में हुई, जहाँ बैंक में पैसा जमा करवाने आया 58 साल का मुनीम वासुदेव पिस्टल हाथ में लिए धमका रहे लुटेरों की जान से परवाह किए बिना उनसे भिड़ गया। बदमाश ने एक फायर किया, इससे भी मुनीम डरा नहीं और उसने लुटेरों का पीछा किया। भागते समय लुटेरा लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, मुनीम उस पर हावी हुआ। तभी घात लगाए खड़े दूसरे बदमाश ने मुनीम के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पूरे घटनाक्रम के समय पास ही बैंक का गनमैन खड़ा था, लेकिन हिम्मत दिखाने के बदले वह डरकर अंदर भाग गया। यदि लुटेरों को गार्ड अपनी बंदूक से जवाब देता तो संभव है लुटेरों के हौसले पस्त किए जा सकते थे। बैंक गार्ड बाद में चाबी अंदर देने जाने की बात कहता हुआ नजर आया। हद उस समय हो गई जब सीने पर गोली लगने के बाद मुनीम वहां तड़पता रहा, किसी ने उसे मदद तो दूर हाथ का सहारा भी नहीं दिया। लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते रहे और बैंक की तरफ से भी कोई सामने नहीं आया। लूट की इस घटना से 3 दिन पहले ही विश्वविद्यालय थाने के ASI ने स्टेट बैंक प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि गेट पर डंडाधारी गार्ड नहीं गनमैन बैठाया जाए, कभी भी वारदात हो सकती है। रूटीन बैंक निरीक्षण के दौरान ASI अनवर शाह ये बात बैंक के पुलिस बीट रजिस्टर में भी लिखकर आए थे, लेकिन बैंक प्रबंधन सोता रहा और इतनी बड़ी वारदात हो गई। पीताम्बरा गैस एजेंसी के कैशियर हैं वासुदेव शर्मा जी, वो गैस जमा करने यहाँ आए थे तो उनका पीछा कर रहे थे 3 लड़के। उन्होंने एक लड़के ने बैग छीना और जब उन्होंने बैग को वापस छीनने का प्रयास किया तो उसको टाइट किया। पूरे शहर में चेकिंग चल रही है, सघन चेकिंग चल रही है और जो संदिग्ध हैं उनका सब जगह उसका प्रसारण कर दिया गया है और उस हिसाब से चेकिंग चल रही है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या घटना स्थल पर 3 नजर आ रही थी। ये डार्क ग्रे कलर की आपसी या पल्सर जैसी बाइक पर सवार होकर बदमाश बैंक के बाहर पहुंचे थे। एक बाइक को स्टार्ट कर बदमाश बैठा रहा। एक बदमाश जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होगी, वह अंदर मुनीम से बैग छीनने पहुंचा। उसका चेहरा खुला हुआ था। उसके लड़खड़ाने पर दूसरा बदमाश सामने आया जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन उसका चेहरा साफी से ढका हुआ था। दोनों तीसरी बाइक सवार साथी के साथ बैठकर भाग गए। वारदात के बाद बदमाश किस दिशा में भागे हैं ये रूट भी पुलिस साफ नहीं कर सकी है। जिसके साथ ये लूट हुई वो पीताम्बरा गैस एजेंसी का मुनीम है। भोपाल के होशंगाबाद रोड के मॉल में 6वीं मंजिल पर AC लगा रहा कर्मचारी अचानक गिर गया। इतनी ऊंचाई से बेसमेंट में गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल कर्मचारी के गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मॉल से गिरने से एक मैकेनिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूरे मॉल में AC लगाने का काम चल रहा है, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया है। मिसरौद पुलिस के अनुसार ग्राम सतलापुर मंडीदीप का रहने वाला मनोज सूर्यवंशी मैकेनिक है। वो मेपल मॉल के 6वीं मंजिल पर AC डक्ट में काम कर रहा था और वो यकायक नीचे आकर गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। उसके साथियों ने बताया कि जब काफी देर तक मनोज नहीं दिखा तो साथियों ने उसे ढूंढा। लगभग 20 मिनट बाद उसकी बॉडी बेसमेंट में मिली। मनोज के साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। हमसे तो बात कर रहा, उसके बाद हम लोग काम करने लग गया तो टाइम हो गया, हमें आधा एक घंटा लग गया। सर सूर्यवंशी ज्यादा दिन नहीं, साथ में ही आता था जब काम। कितने दिन से काम कर रहा है? अभी आज आया और 3-4 दिन पहले आए थे एक दो बार। मेरे को इन्होंने फोन किया करीबन 7:30 बजे के आसपास, मेरे को फोन किया, बोले जो भाई वो लड़का मनोज मिल नहीं रहा है,
और पता नहीं कहाँ गायब हो गया हाँ। और हम लोग ढूंढ रहे मिल नहीं रहा और थोड़ा जल्दी आ जाओ साइड। पुलिस को फोन कितने बजे किया था आज? हमने पुलिस अभी सुन लीजिए पूरी बात हाँ। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत मैं आ रहा हूँ, करीबन मैं 15-20 मिनट बाद आया था, करीबन 8 बजे तक मैं आ गया। तो जैसे मैं बाहर आया जब तक के लोग बाहर आ गए थे उन्होंने हाँ। कहा क्या हुआ भैया मिला? तो बोले कि मिल गया लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो बिल्कुल मान लो पानी में डूबा हुआ है। एक पुलिस वाले ने रौब जमाने के लिए एक युवक की बेवजह पिटाई कर दी। लोग इस घटना से इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। ये मामला भिंड के लहार का है। अचानक आम लोगों ने लहार के डबोह थाने का घेराव कर दिया। लोग थाना प्रभारी से नाराज हैं। गश्त के दौरान थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर ने एक युवक के साथ बेवजह मारपीट की। लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी लोगों पर रौब जताने के लिए किसी भी पिटाई कर देते हैं। अब उन्होंने एक सब्जी बेचने वाले को बेवजह मार दिया। इससे लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया। मारपीट करने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छपरपुर में अवैध शराब को प्रशासन ने नष्ट करवाया। 80 लाख कीमत की इस शराब को पहले एक गड्ढे में डाला गया, फिर जेसीबी से इसे नष्ट किया गया। छतरपुर में 80 लाख की शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका के डंपिंग एरिया में आबकारी आयुक्त और कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन द्वारा अवैध शराब को आज जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट कर दिया गया। ये शराब 10 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसके न्यायालय में 1124 प्रकरण चल रहे थे, जिसका निपटारा होने के बाद अपर कलेक्टर और आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में इसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जब शराब को नष्ट करने की कार्रवाई जब चल रही थी, उस समय कुछ शराब पीने वाले लोग बहुत दुखी नजर आ रहे थे। ये ऐसी मदरा है जो कि हमारे गोदामों पर रखी रहती है और जो बिना बिकी रह जाती है, कई बार उनके लेवल पंजीयन नहीं होते हैं, तो ऐसी मदरा है। साथ ही विभिन्न सर्कलों में पिछले वर्षों में जितने भी आबकारी प्रकरण दर्ज हुए उनमें न्यायालय से निराकृत होने के बाद नष्टीकरण के आदेश प्राप्त हुए थे, जिनका आज लगभग 1124 प्रकरण यहाँ पर उनके अंतर्गत शराब जब्त की गई थी वो नष्ट की गई। लगभग 80 लाख रुपए की मदरा है। ये एक्सपायरी डेट की वाइन है, इसमें बियर है और जो देसी क्वार्टर है, कुछ कच्ची शराब भी है। इसकी एक लिमिट रहती है, लिमिट फिक्स होने के बाद में जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है, ताकि कोई भी लोग उसका उपयोग नहीं करें और किसी प्रकार की मतलब लोगों को हानि नहीं हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपको जर्जर भोपाली सुनाएंगे भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और कल्याण भाई, और मैं बता रही हूँ बारिश के बाद ये ना ये बीमारियों का दौर चल गया है। खांसी जुकाम में सर्राटे खींच रहे हैं लोग, बता रहे हूँ। और डॉक्टरों के यहाँ तो लाइन ही लगी है, उनको फुर्सत नहीं है बिल्कुल। वो अभी बता रहे हैं वो डेंगू पेंगू आने वाला है, वो मच्छर ये बड़े बड़े मच्छर ये बड़े बड़े पियर करके घूम रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो डर लग रही है मेरे को तो। और मैं कह रहा हूँ मच्छरदानी लगा के रहो, और बता रहे हूँ ये नियम कायदे रखो, इस समय बचना है अगर आपको बीमारियों से, बता रहे हूँ। हाँ, डॉक्टरों के पास मत जाओ, अभी कुछ खाओ पियो, यहीं पर ठीक रहो। और मैं बता रहे हूँ इस समय दिवाली पे शॉपिंग का माहौल बना हुआ है। ओ भैया, मंदी मंदी की बात कर रहे हो चारों तरफ, यदि भीड़ उमड़ रही है बाजारों में, बता रहे हैं कोई शर्ट खरीदे, कोई पेंट खरीदे, कोई ये खरीदे, कोई वो खरीदे। और मैं भी कल जा गया था शॉपिंग करने, और मैंने कहा भैया एक पेंट देना, और जैसे ही उसने कार्ड स्वैप किया मेरा, तो वो बता रहे बैलेंस तो जीरो है आपकी ATM में। मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैं घर जाके पता किया, बच्चों ने ऑनलाइन शॉपिंग कर डाली। बताओ ये है भैया खतरा, ये चल जाए। और ये पाकिस्तान को दी ऐसी सीज फायर तोड़ने की आदत पड़ी है, सुबह ही सुबह उन्होंने हमारे यहाँ 3 सैनिकों को मार दिया, बता रहे हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ इस समय दिवाली का मौसम चल जाए मत छेड़ो, और यदि भारतीय सेना को पता लगा उन्होंने बड़ा बड़ गोले मारे, उनके तोपखाने उड़ा दिए, 22 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, बता रहे हूँ। और इस समय संभल के रहो, ज़्यादा यहाँ चेटा चाटी मत करो हमसे। ये देखो भोपाल नगर निगम का बंटवारा होने जा रही है, कोलार नगर निगम अलग बनेगा। और मैं बता रही हूँ हर मोहल्ले में एक नगर निगम बना दो, हर मोहल्ले का एक महापौर, अच्छा डेवलपमेंट होगा, बता रही हूँ। हाँ, मुंबई जैसी ऐसी जगह है, वहाँ महानगर पालिका है, इतने सारे काम होते हैं बेहतरीन किस्म से, सब चल लिया है। और मैं बता रही हूँ अभी दूसरे शहरों में भी जाने वाला है, जबलपुर ग्वालियर, यहाँ भी डबल नगर निगम बनने वाली है, बता रही हूँ। क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, नेताओं को ये खपाने के चक्कर में, नए नए पार्षदों को बनाने के चक्कर में ये सब चल रहा है, बता रही हूँ। वो अभी देखो इंदौर में है ना इन्वेस्टर मीट हुआ है, और इस बार सरकार ने नाम बदल दिया है, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। बता रहे हो नाम तो बदल दिया, काम बदलेगा कि नहीं ये नहीं पता। हर बार इन्वेस्टर मीट होता है, इतने
बढ़िया खाने वाने खाए जाते हैं वहाँ पे जाके, हमें बता रहे हैं होता होता कुछ नहीं है। इस बार देखते हैं क्या है, करोड़ों के वो कंपनियाँ आने वाली हैं भैया, पीएसएफ वो आने वाला है, नौकरियाँ आने वाली हैं बता रहे हूँ, थैले वेले भर बनवा के रखो बड़े बड़े, हैं हर घर के बच्चों को यार नौकरी मिलने वाली है बता रहे हूँ। हाँ ये है, तैयार रहो। ये खबर ये देख लो, गांधी जी पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने ना फिल्म स्टार्स को बुलाया है, उसमें आमिर खान ये शाहरुख खान वगैरह ये पहुँचे थे, और बता रहे हूँ गांधी जी का सिद्धांतों को वहाँ बताया गया, सत्य अहिंसा वो ये ब्रह्मचर्य ये सब ये पालन करेंगे, मुझे लगता है ये फिल्मों में ही कर पाएंगे पालन, असल ज़िंदगी में तो कुछ होगा नहीं। और ये गांधी जी का स्वच्छता अभियान जो चल गया है, अब वही फिल्मों की गंदगी को हटाओ पहले, पहले बता रहे इतनी गंदगी परोसी जाती फिल्मों में, ये तो सब चल गया है। और यह खबर ये देख लो, रोहित शर्मा को इन्हें टेस्ट टीम में मौका मिला बहुत दिनों बाद, भूखे शेर की तरह टूट पड़े जो दक्षिण अफ्रीका के बॉलरों पर, ले कोटाई दे कोटाई, और बता रहा हूँ पहले टेस्ट में उन्होंने ये डबल सेंचुरी ठोक दी, और फिर दूसरे टेस्ट में फिर 150 से ऊपर 176 कुछ बनाए, और तीसरे टेस्ट में फिर डबल सेंचुरी ठोक दी बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रही हूँ कि दिवाली के टाइम पे है ना ये विदेशी टीमों को आना नहीं चाहिए, ये थी फटाखे फोड़ते हैं इंडिया वाले बता रही हूँ। हाँ ये चल गया है, अब मैं भी है ना फटाखे फटाखे लेने जा रहा हूँ। ये नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।